لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الأمرين جد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي المظلومين المنتقمين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. आपकी खिदमत में कल मैंने कुछ गुजारिश अर्ज की थी और उसी उन्वान को आगे बढ़ाते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कल बात यहाँ तक पहुंची थी कि खुदावंद आलम ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ ऐलान किया और जनाब आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका के मुकाबले में खलीफा बनाकर इस जमीन पर भेजा और वो भी मैंने अर्ज किया कि आदम ही को क्यों चुना गया और मलाइका में किसी को क्यों नहीं चुना गया जबकि मलाइका मासूम भी थे इलाही में पेश पेश रहने वाले थे मुकर्रर बारगाह इलाही थे उनसे कोई गुनाह कोई सहमो निशान किसी तरह की कोई गलती सजा नहीं होती लेकिन इसके बावजूद मलाइका को नहीं चुना गया बल्कि आदम को चुना गया। मैंने अर्ज किया था कि आदम की खिलाफत में मसलहत यह थी और मशीयत इलाही यह थी कि हमने आसमानों को खजानों की जगह नहीं बनाया हमने आसमानों में खजाने नहीं रखे हमने अपनी तमाम तर निशानियाँ इस जमीन में करार दी हैं तमाम तर निशानियाँ इस जमीन में करार दी हैं और अगर फरिश्ता जाएगा तो वो जाकर के जिस चीज़ को देखेगा उसे देख कर के वहीं पर खत्म हो जाएगा उसके पास उनके वालू नहीं है कि जो एक चीज़ को देख के अपनी अकल से दूसरे तक पहुँच सके जिसे हम मंत्र की जबान में कहते हैं कि मालूम से मशहूर कर जाना हमारे मालूम से मजबूत कर जाना यानी जिस चीज का पता है उससे उस चीज का पता लगाना जिसका पता नहीं हमारे तर्जुमा है मालूम से मजबूत कर जाना लिहाजा मलक के बस की बात नहीं है कि वो मालूम को देख करके मजबूत तक पहुंच सके और इंसान की अकल को हम ये ताकत अदा कर रहे हैं कि वो मालूम को देखेगा मजबूत तक पहुंचेगा फिर एक नतीजा निकालेगा जब नतीजा निकालेगा तो हमारी कुदरत सामने आएगी जब हमारी ताकत सामने आएगी हमारी रूहियत सामने आएगी हमारी खालकियत सामने आएगी तो फिर उसे एहसास होगा कि मैं कौन हूँ और वो कौन है आदम की सिफत जिसमें पाई जाए
खिलाफत की सिफत आप में होनी चाहिए, आप में वो सिफत होनी चाहिए। अगर आप में वो सिफत है तो आप भी अल्लाह के खलीफा हैं। अब हो सकता है कोई यहाँ पर एतराज कर दे, मैं हर बात की शरह करना चाहता हूँ, क्योंकि जुमले मेरे हैं, इन जुमलों का जिम्मेदार मैं हूँ, किसी के जहन का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। किसी के जहन का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, और एक घंटे की मजलिस में हर बात की शरह नहीं की जा सकती। हर बात को जो है तफसील बयान नहीं किया जा सकता। अगर मैं तफसील बयान में जाऊंगा तो फिर एक ही नुक्ते पर ऊपर रहूंगा, आपका कोई और बात ना पहुंच सकेगी। इसलिए जरूरी है कि अगर किसी नौजवान के जहन में कोई गलत फहमी पैदा हो जाए, या मेरे अल्फाज से सही मफहूम ना पहुंच सके, या कोई एतराज पैदा हो, कोई सवाल पैदा हो, तो आधा घंटा ही सही मैं इस मजलिस के बाद मौजूद हूँ अपने कमरे के अंदर। वो आकर के मुझसे तशफी कर सकता है, अपनी तसली कर सकता है, लेकिन बाहर निकल के ये ना कहे कि मौलाना ने आज ये वक्त दिया। दूसरों से ना पूछे कि मौलाना ने हुजूर आज को ये पढ़ रहे थे, अरे उनसे क्या हाल पढ़ा रहे थे, मुझसे पूछो। अगर मैं ना हूं तो किसी से भी पूछो, और जब मैं मौजूद हूं तो दूसरे से पूछने की क्या बात है, मुझसे पूछो। हो सकता है कि जो मैंने पढ़ा है उनकी नजर उस पर हमें नहीं कहकर ना मिला हो जाए, तो फरमाए लेकिन आलिम भी जरूरी नहीं कि सब कुछ जानता हो। कुछ मैं जानता हूं जो दूसरे नहीं जानते, कुछ वो जानते जो मैं नहीं जानता हूं, है नहीं? तो जो मैं पढ़ रहा हूं उसका जवाब दे मैं हूं, जो वो पढ़ रहे हैं उसका जवाब दे वो है, सही है? लिहाजा किसी तरह का कोई अखाड़ा कायम न कीजिए, सही है? हुजूर उन्होंने ये पढ़ दिया, उन्होंने जानते क्या जाए, एक ही सवाल एक ही जवाब जानते के जाहिर, सही? इसीने तो उलमा का नाश कर दिया। एक जगह जमा हो गए, जब जमा हो गए तो अलग अलग कमरों में रख दिए गए, अलग अलग कमरों में घर में लाके लिया सोए का, कहा कि हुजूर वो भी आया था जाने का था, उसे क्या शायरी आती, उसे नहीं पता जब भी वो आगे क्या होता, उसे क्या पता कौन सी घर में शेर है। दूसरे के पास पहुंचे, हुजूर ऐसे ऐसे वो कितना अच्छा पढ़ रहे, उसे क्या पता, सब जगह हुआ है मोमिनी, सब एक दूसरे को लगा अपने वक्त आया खाना खाने और हमें ला करके घास रखी। ये क्या है, क्या हमारी तो नहीं कर रहे हैं, यदि हुजूर हमारा भी तो नहीं कर रहे, क्या करें? आलिम की बात तो मानना भी जरूरी, इन्होंने आपको बड़ा बताया, आपने इनको बताया, तो गर्भों की जगह तो यही है। गाड़ी में हूं या मिंबर पे, सही? लिहाजा सफर भी है
और साथ साथ जो है वो मजलिस भी है, लिहाजा मैं उतना जोर शायद ना लगा पाऊं मजलिस में कि जितना मुझे, इसलिए कि एक अशरा हो तो उसमें आदमी अपनी आवाज पर कंट्रोल कर सकता है, उसी मजलिस में और मजलिस हो गई थी। बस यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप मुझे मुतवज्जे होकर के समाज फरमाते रहिए, अगर आपको पसंद आए बात तो यह देखिए कि जोर तो लगाए नहीं दाल खाएगी, क्योंकि अजीब मसला ये बन गया हमारे साथ, सितम शरीफ भी है ये हमारी भी और आवाम की भी, कि उन्हें ये भी लेना देना कि पढ़ा क्या जा रहा, उन्हें देख रहे स्टाइल कैसा, स्टाइल कैसा, अगर स्टाइल में जान है तो पीछे तक लोग खड़े हो जाएंगे, अगर स्टाइल में जान नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, वाला ने कुछ नहीं पढ़ा। सलाम पर मोहम्मद शीलों के 18 हैं, नबी ने ये नहीं
हम क्या करें वो शिया है। अभी तो आप शिया का मतलब ये नहीं समझे, अगर शिया का मतलब समझ में आ जाए तो बात ही वाजे हो जाए। उनसे वाले भी शिया है, बसरे में भी शिया थे, मदीने में भी शिया थे, मक्के में भी शिया थे। अरे पहले तुमने शिया की तारीफ तो बता दो कि शिया की तारीफ क्या है। शिया की तारीफ है अली के पैरवी करने वाला, अली की इत्तेबा करने वाला, अली की इत्तेबा कर। तो इसका मतलब ये जिसने जिसने अली की इत्तेबा को छोड़ दिया वो शिया नहीं रहा। ये बड़ी कड़वी बात है क्योंकि हमारे मिजाजों के खिलाफ है। जिसने जिस लहजे के लिए अली की इत्तेबा को छोड़ दिया वो शिया नहीं रहा। तो मुझे बताओ कि जो अहले बसरा में से अली के